तो दोस्तों वक्त है उन फोन्स पे नजर डालने का जो 20,000 रुपए से नीचे आप खरीद सकते हैं। मतलब 15,000 से 20,000 रुपए में क्या है वो बेस्ट फोन्स, उसके बारे में आज हम पता लगाएंगे। एंड ये जो वीडियो दोस्तों ये हमने दो सेगमेंट्स में किया है, मतलब 5G फोन्स एंड 4G फोन्स, बिकॉज अब ऐसा लगने लगा है कि लोगों को 5G जो फोन है ना उनको खरीदने का ज्यादा क्रेज रहता है। तो भाई सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैंडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले 5G फोन से, और यहाँ पे जो सबसे कम प्राइस वाला फोन है ना वो है Realme Narzo की तरफ से Narzo 30 Pro 5G। एंड ये जो फोन है दोस्तों इसमें आपको लगभग 5 5G के जो बैंड्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड देखो दो बैंड से तो अच्छा ही है, बिकॉज जो दो बैंड है ना वहाँ पे किसे पता है कि अभी तक कौन से बैंड पे आने वाले, ठीक है। तो जितने ज्यादा बैंड्स होंगे उतनी बढ़िया बात होगी। तो आपको भाई 5G बैंड्स तो मिल ही जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको Dimensity 800U का जो चिपसेट है वो मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि एकदम फ्लूइड है, और आपको वहाँ पे अच्छा खासा डिस्प्ले मिलता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 30 वॉट का यहाँ पे आपको बॉक्स में चार्जर मिल जाएगा। बस एक ही बात है कि थोड़ी बहुत है ना कॉस्ट कटिंग करी गई है यहाँ पे 5G को लेकर के, मतलब आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है तो वो यहाँ पे एक प्रॉब्लमैटिक बात है। तो जो 5G है ना उसके लिए कॉस्ट कटिंग है, एंड तभी दोस्तों ये फोन अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है। मतलब 16,000-17,000 रुपए का जो फोन है आपको मिल जाएगा, और उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो एंड कार्ड डिस्काउंट लगा करके तो शायद 15,000 रुपए से नीचे भी मिल सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों Realme 8 का जो 5G वेरियंट है वो भी वेरियंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो ये 6GB रैम के साथ आता है, और वो दोनों है वो डिफरेंट वेरियंट्स में। इसके अलावा यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बस जो चैनल पार्टनर्स है, मतलब कोई ऑफलाइन मिल रहा है तो कोई ऑनलाइन मिल रहा है, कोई आप ऑफलाइन भाई देख के खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं Narzo एंड Realme 8 को लेकर के, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं Samsung के बारे में, तो वहां पे दोस्तों आपको मिलता है Samsung Galaxy A22 5G, एंड ये फोन है दोस्तों वो आता है 11 5G बैंड्स के साथ। एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 2 साल का जो OS अपग्रेड प्रॉमिस है वो मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे Dimensity 700 का जो चिपसेट है वो मिलता है। 90 हर्ट्ज का फुल HD प्लस मिल जाएगा जो कि TFT है, एंड आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 15 वॉट इनबॉक्स चार्जर। एंड यहाँ पे दोस्तों जो OS है वो आपको One UI का जो कोर One UI है वो मिलता है। अब इस फोन को खरीदने के लिए जो सबसे बड़े रीजंस होने चाहिए वो ये कि भाई आपको Samsung का ही फोन खरीदना है और आपको 5G फोन ही खरीदना है, मतलब Samsung प्लस 5G प्लस बजट, अभी दोस्तों यही चीज है मार्केट में, ठीक है, तभी आप इस फोन को खरीदें। अगर आप Samsung का फोन नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आगे जाकर के और भी बेटर नाम है जिसमें आपको बेटर 5G ऑप्शंस मिल जाएंगे अच्छे प्रोसेसर और अच्छे डिस्प्ले के साथ। अब अगले फोन की तरफ बढ़ते हैं जो है IQOO Z3 5G, एंड दोस्तों ये 19,000 रुपए का 6 प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है वो दे देता है, जिसमें आपको Snapdragon 768 का जो प्रोसेसर है वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है 50 वॉट के चार्जर के साथ, एंड यहाँ पे आपको एक डिसेंट डिजाइन देखने को मिल जाएगी। तो जो प्रोसेसर है वो भी काफी सही है, लेकिन इस फोन में कुछ प्रॉब्लम्स है इसके OS को लेकर के, एंड जो नॉर्मल कॉस्ट कटिंग्स है ना वो आपको जैसे कि ओलियोफोबिक कोटिंग नहीं दी है, स्क्रीन में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है, एंड इसी के साथ साथ फन टच OS इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। तो आपको प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, आपको ब्लॉट फेस बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको फन टच OS के साथ लेके रखनी पड़ेगी। भाई हर एक चीज में जो एप्स हैं वो परमिशंस मांगेंगे। उसके अलावा इफ यू कैन लिव विद द OS एंड आपको वो जो स्क्रीन गार्ड वगैरह अगर आप चढ़ा सकते हो तो ये बहुत बढ़िया 5G वाला ऑप्शन है मार्केट में, ठीक है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं Realme X7 के बारे में, एंड ये जो फोन है इसकी थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ी है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट विस्काउंट लगाते हो तो शायद 20,500 के आसपास तक ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कॉस्ट कटिंग या ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं देखने को मिलते हैं। अब सबसे बढ़िया बात तो दोस्तों मुझे यहाँ पे लगती है कि आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, चाहे वो 60Hz का ही क्यों ना हो। उसके साथ साथ आपको MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, एंड 50 वॉट की चार्जिंग मिलती है विद 4310 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे जो Realme UI है वो मुझे काफी सही लगा, एंड उसके अलावा चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पे बढ़िया है। जो एक प्रॉब्लम आपको लग सकती है वो ये कि भाई 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन है
वो देना चाहिए था। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि भाई अगर आप 5G लेते हो ना तो आपको अभी एक बहुत बड़ा गैम्बल खेलना है कि भाई जब मैं इस फोन को अपग्रेड नहीं करूंगा 2.5-3 साल तक शायद मेरी एरिया में 5G आ जाए। बिकॉज आज अगर आप 5G फोन खरीदते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ रहा है, चाहे वो वाइड एंगल कैमरा हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो आपके वाइड एंगल कैमरा के साथ अगर आपको स्लो चार्जिंग मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस हैं 5G के नाम पे। तो अगर आप 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो ठीक है। वैसे अब आते हैं दोस्तों हम 4G फोन्स की तरफ, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया पावरफुल परफॉर्मेंस आपको हर एक फोन में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला नाम है यहाँ पे Samsung Galaxy M51 का, एंड यहाँ पे आपको ये फोन मिल जाएगा 19,999 रुपए का 6+128GB Amazon से, जिसमें आपको Snapdragon 730 का जो प्रोसेसर है वो मिल जाता है, सुपर AMOLED डिस्प्ले है, एंड Samsung का डिस्प्ले काफी सही है यहाँ पे 60Hz का लेकिन आपको मिलता है, 64MP का प्राइमरी कैमरा है, 7000mAh की बैटरी है विद 25W चार्जिंग। अब यहाँ पे दोस्तों कैमरा है वो डिसेंट है, ऑफ कोर्स सैमसंग तो है ना ब्लू है पानी पानी जैसा जो काम है ना वो करता है, एंड आई गेस बहुतों को ये पसंद आता है। इसके अलावा आपको सुपर बैटरी मिलती है 25W का, आपको जो चार्जिंग सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है, ऑफ कोर्स फोन थोड़ा सा बल्की है बट सैमसंग लवर्स के लिए काफी ज्यादा सही फोन है ये इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में, इफ यू कैन लिव विद द वेट ऑफ द फोन। तो भाई डिजाइन वाइज है ना इतना ज्यादा बढ़िया काम नहीं किया सैमसंग में, बट उसके अलावा यहाँ पे काफी सही दाम में काफी कुछ देने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम बेस्ट OS वाले फोन के बारे में जो आप इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में ले सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स होगा स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस Motorola की तरफ से। तो Motorola G60 आपको मिलता है Snapdragon 732G के साथ, IPS LCD 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 6000mAh की बैटरी है विद 20W चार्जिंग, 108MP का कैमरा है। अब 108MP का कैमरा वो दोस्तों एवरेज है, आप इतनी ज्यादा कोई तोड़ फोटोज यहाँ पे नहीं ले सकते, एवरेज कैमरा है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बढ़िया पॉइंट है वो है इनका OS। भाई कोई ब्लोट फेस नहीं है, कोई एड्स नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, एंड आई गेस आगे जाकर के आपको अपग्रेड्स वगैरह भी यहाँ पे आसानी से मिलेंगे। नेक्स्ट जो चीज है कि वो कि जो डिजाइन है इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट, चाहे वो बॉक्स का डिजाइन हो चाहे वो फोन का डिजाइन, इट इज नॉट रियली द बेस्ट, एंड आई वुड सजेस्ट कि भाई इस पर्टिकुलर फोन को अगर ये 200 ग्राम से नीचे रख पाते ना तो अच्छी बात होती, बट 225 ग्राम काफी ज्यादा है फॉर द फोन ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन। तो Motorola should really work on that design part, ठीक है। अब next phone की तरफ बढ़ते हैं जो कि है Redmi Note 10 Pro या फिर Pro Max। I would suggest कि आप Redmi Note 10 Pro लो, because जिस तरीके से लोग प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं Pro ही है जो best value for money होने वाला है, क्योंकि आपको एक better कैमरा मिलता है, डिजाइन काफी ज्यादा सही है, एंड दोनों फोन्स में देखो सिर्फ कैमरे का फर्क है, एंड वो भी इतना बड़ा फर्क नहीं है। Snapdragon 732 का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज का सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, ऑफ कोर्स थोड़ा जिटरी है बट इट वर्क्स। MIUI है वो इतना बढ़िया नहीं है, लैग्स हैं एंड उसमें थोड़े से बग्स हैं, बट ऑफकोर्स वो भी आपको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो Redmi Note 10 Pro एक काफी ज्यादा सही फोन है, काफी इंटरेस्टिंग फोन है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट फोन जो आप खरीद सकते हैं 15 से 20 हजार रुपए के नीचे, अगर आपको 4G फोन खरीदना है, ठीक है। बट अगर आपको एक रियल पावर हाउस चाहिए, लाइक दी पावर हाउस जिसमें आप गेम खेल सकते हो, घंटों गेम खेल सकते हो, आपको डिजाइन की परवाह नहीं है, आपको उसके वेट की परवाह नहीं है, तब दोस्तों आप पोको X3 Pro लो। तो ये फोन दोस्तों लगभग 18 से 19 हजार रुपए का आपको मिल जाएगा, एंड Snapdragon 860 का जो है यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है, फुल HD प्लस 120Hz IPS LCD का डिस्प्ले है, 64MP का प्राइमरी कैमरा, लगभग 5100mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग, एंड इट इज अ प्रॉपर गेमिंग फोन। मतलब यहाँ पे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है, डिजाइन इतनी बढ़िया नहीं मिलती, लेकिन जो देता है भाई एकदम कंपनी गेम, आप यहाँ पे बढ़िया से हाईएस्ट सेटिंग्स में खेल सकते हो, वाइड बैंड 11 का सपोर्ट है, एंड Snapdragon प्रोसेसर है, तो शायद आगे जाकर आप उसको बढ़िया से फ्लैश करके स्टॉक एंड्रॉइड भी डाल सकते हो। तो सालों साल आपको यहाँ पे इसका जो अपडेट है एंड जो फीडबैक, मतलब जो बोलते हैं ना आपको सपोर्ट मिलता है, वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये तो दोस्तों हो गया 20,500 से नीचे। वैसे अगर आपको एक थिन एंड लाइट, एक बढ़िया फोन चाहिए जो दिखने में अच्छा हो एंड इतना ज्यादा हैवी ना हो, तो आप दोस्तों Mi 11 Lite देख सकते हैं, उसमें भी आपको Snapdragon 732 का जो प्रोसेसर है वो मिलता है 732G, बट बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा लाइट है, इसका फुल ऑन रिव्यू भी किया है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फोन्स का हमने फुल ऑन रिव्यू किया है, कंपैरिजन किया है, तो आपको सारे के सारे लिंक्स हैं इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सेगमेंट से दोस्तों हम अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो में, तो प्लीज हमको जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको इसका प्रेजेंटेशन। भाई बढ़िया लगा तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।